हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंट्राडे के स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जो कि एप्लीकेबल होने वाले हैं 12th of May 2021 के लिए। टोटल हम दो स्टॉक देखेंगे, उसमें बाय करना है या सेल करना है वो देखेंगे, और इंपॉर्टेंट लेवल्स भी देखेंगे कि जहाँ पे जाने के बाद रिस्पेक्टिव स्टॉक में प्राइस एक्शन आ सकती है। यानी कि हम एंट्री की लेवल देखेंगे और उसी के साथ स्टॉप लॉस, टारगेट फर्स्ट और टारगेट सेकेंड की भी लेवल देखेंगे। दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की वीडियोस टाइमली बेसिस पे मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन बटन, उस पर क्लिक कीजिएगा, एक शॉर्ट वीडियो ओपन हो जाएगा, वहां से आपको रिस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए अभी देख लेते हैं। दोस्तों, स्टॉक का सिलेक्शन करने के लिए हमने जो भी ट्रेडिंग टर्मिनल का इस्तेमाल किया है, ये है एडलवेस का TX3 का डेस्कटॉप ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर। तो उसके जरिए हमने स्टॉक का सिलेक्शन किया है और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमने आपके सामने रखा है। अगर आपको एडलवेस में डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ से आप इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक दोस्तों हमने सिलेक्ट किया है BPCL का। इसका डेली कैंडलस्टिक चार्ट हमने आपके सामने ओपन किया है। अभी ये स्टॉक एग्जैक्टली देखेंगे तो यहाँ पे उसने रिवर्सल का इंडिकेशन दिया था और अच्छी खासी मूवमेंट उसमें अपवर्ड साइड में आ रही थी। हमने इंट्राडे में भी ये स्टॉक बहुत बार दिया है और ये भी कहा है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए भी एप्लीकेबल है और उसी तरह से उसमें अपर साइड की मूवमेंट आ रही है। अभी दोस्तों ये स्टॉक जो प्रीवियस डे हाई लो ब्रेकआउट की इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहती है उसका इस्तेमाल करके हमने स्टॉक का सिलेक्शन किया। अगर आपको प्रीवियस डे हाई लो ब्रेकआउट की जो इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऊपर आई बटन में मैं वो पर्टिकुलर वीडियो की लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ से आप वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अच्छी तरह से अपट्रेंड में ट्रेड कर रहा है और लास्ट कैंडल भी मोमेंटम के साथ क्लोज आउट दिए। हमें लग रहा है कि इसमें फर्दर अपर साइड की मूवमेंट आ सकती है। तो BPCL में हमें बाय करके चलना है। जैसे ये स्टॉक 464.50 के ऊपर ट्रेड करेगा हम इसमें बाय करने का सोच सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 459 का, हमारा टारगेट फर्स्ट रहेगा 468 का और हमारा टारगेट सेकंड रहेगा 473 का। दोस्तों, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये भी हो जाती है कि कंसिडर कीजिए स्टॉक के रिस्पेक्टिव लेवल के ऊपर ट्रेड नहीं करता तो हम उसे इग्नोर करेंगे। मान लीजिए कभी कभी गैप अप होता है तो उस तरह के सिचुएशन पे भी इग्नोर करेंगे तो भी चलेगा, या तो बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा। और मान लीजिए सही जगह पे एंट्री होती है तो डेफिनेटली कुछ प्रॉफिट मिलने के बाद हम पार्शियल प्रॉफिट बुक करके रिमेनिंग क्वांटिटीज को ट्रेल भी कर सकते हैं। और जो निफ्टी बैंक निफ्टी रहती है उसकी भी डायरेक्शन को थोड़ा फॉलो करके उसके साथ ट्रेड करेंगे तो एक्यूरेसी बढ़ने की संभावना है। तो ये पहला स्टॉक हो गया। दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है SBI का। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमें चार्ट पे दिखा है। ये स्टॉक आप शॉर्ट टर्म के लिए भी ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग टू स्विंग लो रहेगा। अभी इंट्राडे में देखेंगे तो ये जो लास्ट का ये जो कैंडल का क्लोज आउट हुआ है वो हमें लग रहा है कि अगर इसका हाई ब्रेक होगा तो इसमें भी फर्दर अपर साइड की मूवमेंट आ सकती है। तो सेम स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके हमने स्टॉक का सिलेक्शन किया है। तो SBI में भी हमें बाय करके चलना है। जैसे ये स्टॉक 366.75 के ऊपर ट्रेड करेगा हम इसमें बाय करने का सोच सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 362 का, हमारा टारगेट फर्स्ट रहेगा 370 का और हमारा टारगेट सेकंड रहेगा 373 का। जो प्रीवियस स्टॉक के लिए हमने रूल डिस्कस किए थे वो सेम यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये अभी मेरा ये वीडियो पर्टिकुलर आप एज अ हेल्प इस्तेमाल कीजिए और आपकी जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसके साथ मर्ज करके आप आपका फर्दर डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो से फायदा होता है तो मेक श्योर आप हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियोज टाइमली बेसिस पे मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, एज अ डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।